वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में। आरटीपीसीआर का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो होती है एक मॉलिक्यूलर टेक्निक होती है, मतलब ये डीएनए डिटेक्शन की आरएनए डिटेक्शन की एक टेक्निक होती है। कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, ये क्यों करवाया जाता है? तो कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट ये बताता है कि आपको कोविड 19 इन्फेक्शन अभी है या नहीं है। मतलब ये टेस्ट जो बताता है एक्टिव इन्फेक्शन, मतलब मौजूदा इन्फेक्शन के बारे में बताता है। मतलब ये टेस्ट बताता है कि आपको आज कोविड 19 इन्फेक्शन है कि नहीं है। कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट कब करवाते हैं? तो यदि आपको पिछले 4-5 दिनों से कोविड के लक्षण मौजूद हैं या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसको कोविड इन्फेक्शन था या आपको डाउट होता है कि आपको कोविड लग रहा है, तो उस कंडीशन में आप कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। यदि हम बात करें किन लक्षणों में कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए या पॉजिटिव आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यदि आपको खांसी है, बुखार, थकान, सर में दर्द, शरीर में दर्द, जुकाम, गले में खराश, आपको किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता या किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती है, उसके अलावा आपका जी मतलाना, उल्टी या दस्त की कंडीशन में आपको कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना चाहिए। कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको कोविड इन्फेक्शन है, मतलब आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। और यदि कोविड 19 टेस्ट जो होता है आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब होता है आपको कोविड 19 इन्फेक्शन नहीं है। इसका दूसरा और एक भी मतलब होता है कि हो सकता है कि आपने जो ये टेस्ट हो पहले करवा लिया हो, अर्ली स्क्रीनिंग, मतलब आपको जो कोविड के लक्षण आपको चालू हुए थे उससे 4-5 दिन पहले से ही आपने, मतलब कोविड इन्फेक्शन का जैसे ही आपको लक्षण शुरू हुए आपने पहले 4-5 दिन में ही टेस्ट करवा लिया, उस कंडीशन में भी ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है। साथ साथ में इसमें क्या होता है, इस टेस्ट में सीटी वैल्यू का एक बहुत महत्व होता है। सीटी वैल्यू क्या होती है? सीटी का मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू। ये क्या करती है, वायरल आरएनए को पता लगाने के लिए उसकी साइकिल की संख्या को बताती है। यदि किसी व्यक्ति का कोविड 19 टेस्ट नेगेटिव होता है, मतलब आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव होता है, तो उसमें क्या होता है, सीटी वैल्यू जो होती है 35 या उससे अधिक होती है। और यदि किसी व्यक्ति का पॉजिटिव होता है तो उसमें क्या होता है, सीटी वैल्यू जो होती है 35 से नीचे होती है। इसके लिए कौन से सैंपल की जरूरत होती है कोविड आरटीपीसीआर की जांच के लिए? तो इसके लिए जो होती है आपके नाक से और आपके गले से होगा सैंपल लिया जाएगा, और वो टेक्नीशियन के द्वारा होगा जो आपका सैंपल लेकर जाएंगे और लैब में इसको टेस्ट परफॉर्म करेंगे। इस टेस्ट का प्राइस कितना होता है कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट का? इसका जो प्राइस होता है ₹600 से लेकर 1200 के बीच में होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपके राज्य में, आपके स्टेट में इसका प्राइस कितना है। हर राज्य सरकार ने इसका प्राइस जो है ना एक फिक्स कर रखा है, तो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में पता कर सकते हैं इसका प्राइस कितना है। कोविड आरटीपीसीआर रिपोर्ट की रिपोर्ट कब आती है, कितने दिनों में आती है? तो जब आप टेस्ट करवाएंगे उससे लगभग 2 से 3 दिन के बीच में इसकी रिपोर्ट आती है। कोविड आरटीपीसीआर जांच कौन सी लैब में होती है? तो इसका जो होता है जितनी भी NABL और ICMR अप्रूव्ड लैब में उसमें होता है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स में होता है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, और यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो फिर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।